हेलो एवरीवन, आई एम विमलेश कुमार फ्रॉम बिट फॉर लर्निंग। टुडे आई विल टीच यू डेली यूज सेंटेंस। हेलो नमस्कार दोस्त, आज जो हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वह जो है डेली यूज सेंटेंस है, जो दिनचर्या में यूज किए जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कप ऑफ टी, क्या होती है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात, क्या होती है बस की बात, ठीक है। जैसे कि हम जानेंगे यहाँ पे कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस है कि डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, डांस करना मेरी बस की बात नहीं है। यहाँ देखते हैं कैसे होगा, बस की बात, बस की बात, समझ रहे हो ना। कप ऑफ टी तो हम क्या करेंगे, डांस करना होता है, डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, डांस करना मेरी बस की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट है, दो नंबर में है, पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है, पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है। फिर यहाँ आ गया बस की बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ जानेंगे पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है, टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट है तीसरा नंबर में इंग्लिश, इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। फिर नेक्स्ट है सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है, सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है। ये एक्चुअली में हमेशा कुछ लोगों ने यह सेंटेंस को यूज कर ही लेते हैं, या डेली यूज सेंटेंस है बच्चे, तो जानेंगे हम लोग। देखिए सुबह उठना का होता है गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली, जल्दी उठना का होता है गेट अप अर्ली, और सुबह को हो जाएगा इन द मॉर्निंग, बस की बात नहीं है, इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।